नमस्कार, मेरा नाम मिलिंद शेवड़े है। मैं बांसुरी बजाता हूँ और क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। मैं प्रभाकर बागर देव जी से बांसुरी सीखा पहले, उसके बाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पास शास्त्रीय संगीत का काफ़ी सालों तक मैंने तालीम ली। सोनिक ऑक्टेव्स के साथ मेरा परिचय पिछले 2 सालों से है। जब मैं मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा तो इनकी जो आर्टिस्ट को सेलेक्ट करने की जो पद्धति है उसके बारे में मुझे जानकारी हुई। मैंने अपना डेमो सीडी इनको दिया और इनका जो एडवाइजरी पैनल है उसके थ्रू वो सीडी अप्रूव हुई और उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कॉल किया। मैं तो बहुत खुश था, लेकिन उसमें एक बात और है कि उसके साथ में ये जितना भी सीडी को मार्केट करने का और प्रोड्यूस करने का जो भी खर्चा है वो पूरा कंपनी के द्वारा उठाया जाता है। इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, ये आर्टिस्ट के लिए पूरी तरह फ्री है। उसके अलावा पब्लिसिटी, सब चीज़ लोगों तक आपको पहुंचाने का काम ये कंपनी पूरी तरह खुद पे लेती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल एक अच्छा संगीत आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। वो उनकी पैनल जब अप्रूव करती तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इतने सालों में काफ़ी एल्बम्स में बजा चुका हूँ एज ए एकम्पनिस्ट, एक संगतकार के तौर पे, जिसमें फिल्मों के एल्बम हैं, भजन के एल्बम्स हैं, फिल्मी गाने हैं, बहुत सारे एल्बम में काफ़ी सालों से बजा रहा हूँ। लेकिन खुद का सोलो सीडी है मेरा पहला ही है, और जो सोनिक ऑक्टेव के उसके माध्यम से निकला है। तो मैं समझता हूँ कि जब से मेरा ये सीडी बाहर आया है तब से मेरे अंदर बहुत बड़ा फर्क मुझे देखने को मिल रहा है। मेरा बजाने का जो टोटल जो एक सोच थी वो बदल रही है। एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं अपने आप को देखता हूँ, और एक सोलो अपना खुद का सीडी मार्केट में आना एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, जिसमें आपके नाम से वो सीडी आगे बढ़ता है और आप पब्लिक में, लोगों में, सुनने वालों तक आप पर्सनली आप पहुँचते हैं। और उसका एक खुद को भी एहसास होता है कि हमने कुछ प्रोड्यूस किया। रही बात रॉयल्टी की, तो वो इस कंपनी में एकदम पूरी तरह से साफ सुथरा है, मुझे पूरा बेनिफिट उसका भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और ये मैं समझता हूँ पहली ही एक ऐसी कंपनी है हमारे देश में जो शास्त्रीय संगीत के प्रति इतना ज़्यादा रुझान इनका है और इसके केवल शास्त्रीय संगीत के लिए ही ये काम करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्रीय संगीत के लिए काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रतिष्ठित कलाकारों के ही एल्बम निकालती हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको कोई अभी जानता नहीं है लेकिन जिनमें एक अच्छा कलाकार बनने का मादा है, उनको पब्लिक तक, सुनने वालों तक, श्रोताओं तक पहुँचाने का जो काम ये कंपनी कर रही है, ये मेरे हिसाब से एकदम अनूठा है और ये बिल्कुल नया प्रयास है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनिक ऑक्टेव और उनके हेड श्री राजेंद्र वैशंपायन जी को, जिन्होंने ये काम इतने अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। नए कलाकारों को मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव कहूँगा, या मैं अपना तरफ से बहुत उनसे आग्रहपूर्ण निवेदन करूँगा कि वो इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं जो आपके सामने है। अभी आपने जो इतने साल मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, सीख के जो आपने हासिल किया है उसको श्रोताओं तक पहुंचाने का ये सुनहरा मौका है, ये आपको गंवाना नहीं चाहिए। और इतनी साफ सुथरी कंपनी, इतना जिसमें जरा भी पक्षपात नहीं है किसी भी तरह का, और वो आपको केवल आपकी कला का जो दर्जा है उसको महत्व देते हुए आपको वो आगे लाते हैं, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, इसमें आपको कोई नुकसान तो है ही नहीं, इसमें फायदा ही फायदा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आर्टिस्ट के तौर पे जब आप पब्लिक के बीच में आना शुरू होते हैं, लोगों के बीच में आप आना शुरू होते हैं, आपका प्रोडक्ट आपने जो बनाया वो श्रोताओं तक पहुँचता है, तो उसका एक अपना एक बहुत ही ज़्यादा उसका एक आत्मसंतोष बहुत कलाकार को होता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा
उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि नए कलाकारों के लिए काम करने वाली ये एकमात्र कंपनी है जिस जो केवल नए कलाकारों केवल सिर्फ नए कलाकारों के लिए ही काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और इसका तुरंत सबने फायदा उठाना चाहिए।